तो दोस्तों एक जगह गाड़ी खड़ा कर दिए हैं, सुंदर की गाड़ी सबसे पीछे है, बीच में एक और है महेश नाम है उनका, और एक गाड़ी दोस्तों आगे खड़ी है। तो दोस्तों गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और देख पा रहे हैं इनका नाम है महेश और ये सुंदर भाई हैं। और महेश जी कैसे हैं? सब बढ़िया है। बढ़िया है। तो फाइनली दोस्तों बगवार से प्रयागराज पहुंच चुके हैं और ये देख पा रहे हैं बाउंड्री है प्लांट की, देख पा रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे दोस्तों। और दोस्तों पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम ससुराल गए हुए थे और जल्दी लौट चुके हैं। दोस्तों हमारे ऊपर बिग प्रॉब्लम आ चुकी है, बहुत परेशानियां बढ़ रही है दोस्तों, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ रीवा से और मुझे LLB करना है। LLB में एडमिशन हमारा हो भी चुका है लेकिन फीस दोस्तों मेरे पास नहीं है, तो मैं जो है बैग उठा लिया हूँ दोस्तों और निकल पड़ा हूँ घर से काफ़ी दूर, और कहाँ जाना है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। फिलहाल डायरेक्ट मिलते हैं सीधी रीवा टर्नल पे और डायरेक्ट मिलेंगे आगे आपको, तो चलते हैं फटाफट। तो दोस्तों सीधी रिवर टनल को मैं क्रॉस कर चुका हूं और आ चुका हूं ब्रिज के नीचे। हमने दोस्तों देख पा रहे हैं ये है ब्रिज। दोस्तों सामने जो ब्रिज देख पा रहे हैं ये जो है इलाहाबाद साइड जाएगी, तो फिलहाल यहीं वेट किए हैं और इसके बाद मैं आपको मिलाता हूं। तो दोस्तों गाड़ी आ चुकी है, देख पा रहे हैं सुंदर गाड़ी में बैठे हुए हैं। दोस्तों ये है अपनी गाड़ी मंजिल है। दोस्तों गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, देख पा रहे हैं ये है हमारे सुंदर भैया और खाना पीना की व्यवस्था कर चुके हैं ये पहले से ही, क्योंकि मैं सुबह चला था 9 बजे और करीबन 3 बजे यहाँ पहुँचा हूँ। तो कैसे हैं जी? बढ़िया है, गोविंदगढ़ से खाना लाए हैं। बिल्कुल, क्या क्या लाए हैं? ये मटर पनीर की सब्जी है, तंदूरी की रोटी लाए हैं। अच्छा अच्छा, ओके। तो दोस्तों ये है मटर पनीर की सब्जी एकदम स्पेशल, तो तंदूरी रोटी और हल्का सा प्याज, और ये है आम का अचार। दोस्तों खाना निकाल चुके हैं और चलिए शुरू करते हैं सुंदर खाना। हाँ खा लो भाई, हम तो खाना पहले से खा चुके हैं, तो अब अकेले ही खाना पड़ेगा दोस्तों। और देख पा रहे हैं ये खा चुके हैं ना पहले से, सब कंप्लीट। ओके तो चलिए टेस्ट करते हैं। ये है तंदूरी रोटी दोस्तों और ये है मटर पनीर की सब्जी, अब खाते हैं। फिलहाल काफ़ी टेस्टी है दोस्तों, क्योंकि अभी तक गांव में मोटी वाली रोटी खा के आए हैं, यहाँ तंदूरी रोटी सुंदर की वजह से खाना पड़ रहा है। गांव कितनी मोटी मोटी जो रोटी होती है, मक्का साइड मज़ा आ जाता है। तो दोस्तों खाना पीना हम लोग खा चुके हैं, अब फिलहाल चले हैं सुंदर। अब चला जाए, अब कहाँ जाएंगे? बैकुंठपुर चलना है। बैकुंठपुर, बैकुंठपुर में रुकना है अभी, फिर 10 बजे रात को वहाँ से चलना है। ओके तो दोस्तों अभी हम लोग बैकुंठपुर में रुकेंगे, इसके बाद 10 बजे रात निकलेंगे तो आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। ये कौन सा रास्ता से हम लोग जा रहे हैं अभी? अभी ये रीवा बाईपास, ये रतारा बाईपास है। अच्छा रतारा बाईपास है ना। ओके तो दोस्तों बने रहिए, देख पा रहे हैं बीच में प्लांट लगाए हैं पौधा, और यहाँ पे फिर से एक टनल पड़ रहा है आगे। ये टनल ऊपर वाली रोड इलाहाबाद जाएगी। अच्छा अच्छा, अब वो वाली इधर चली जाएगी, बेला साइड। बेला साइड है ना। और सुंदर भाई देख पा रहे हैं बढ़िया ड्राइव कर रहे हैं, का जी एक नंबर, एक नंबर के ना। दोस्तों ये अकेले बोर हो गए थे तो हमें बुला लिए, हम भी खा लेते दोस्तों, प्रॉब्लम तो थी घर में, बोले चलिए घूम लेते हैं। नहीं जी बिल्कुल। ये कौन सा प्लाजा है? ये रतारा बाईपास वाला प्लाजा है। बिल्कुल। दोस्तों एक जगह गाड़ी खड़ा कर दिए हैं, सुंदर की गाड़ी सबसे पीछे है, बीच में एक और है महेश नाम है उनका, और एक गाड़ी दोस्तों आगे खड़ी है। यहाँ पे मंदिर है और देख पा रहे हैं लोकेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारे जो हैं बैल जो है बढ़िया चर रहे हैं, उनका टाइम होने वाला है दोस्तों। चलते हैं नई गाड़ी में, जो नए दोस्त हैं उनसे मिलते हैं। वो फिलहाल गेट खोलते हैं, शायद लॉक है, चढ़ने के लिए दोस्तों ये है।
तो दोस्तों गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और देख पा रहे हैं इनका नाम है महेश और ये सुंदर भाई हैं। और महेश जी कैसे हैं? सब बढ़िया है। बढ़िया है। तो दोस्तों इनको काफी दिन सुना हुआ था क्योंकि सुंदर बताए थे, जाते थे तो इनकी हमारी मीटिंग होती थी, मजा आता था। और दोस्तों हम भी गए थे आपके पास एक बार मिलने गए थे। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, एक बार मिल भी चुके हैं, मुझे थोड़ा डाउट हो गया था कमला कॉलेज के पास ना। बिल्कुल कवर लेने मोबाइल का कवर लेने। फिलहाल पूछते हैं महेश जी से कितने दिन से गाड़ी चला रहे हैं, थोड़ा सा बताइए आप। मैं चला रहा हूँ 4-5 साल। 5 साल से। आपकी एज क्या होगी? मेरी एज है 25 साल। 25 साल, मतलब कि इन्होंने 20 साल से दोस्तों गाड़ी ड्राइव करना स्टार्ट कर दिए थे। और कैसा लगता है गाड़ी भी चलाना, कैसा? मेरे को तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। सुंदर आपको? बहुत अच्छा यार, इसके अलावा हम लोग कुछ करते भी नहीं है, गाड़ी चलाना हम लोगों का काम है। बिल्कुल। तो दोस्तों देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से रहते हैं, अगरबत्ती वगैरह बढ़िया जला दिए। गाड़ी जब इंजन स्टार्ट होता है, अच्छा, चलने का समय होता है, हाँ हाँ, तो अपना मंत्र है उसको एक बार पढ़ लिया जाता है। मंत्र थोड़ा पढ़िए तो। चलत दीवान कोलाहल होई, यह रघुवीर कहा सबको। वाह क्या बात है। इसके बाद फिर गाड़ी स्टार्ट रनिंग हो जाती है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये मंत्र लिखा हुआ है और मंत्र जो है रघुवीर का है, मतलब कि बजरंगबली का ना। हाँ। तो दोस्तों बजरंगबली का नाम लेके लगातार 5 साल से गाड़ी चला रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। और दोस्तों मैं भी आ चुका हूँ और मैं भी काफी दिन तक रुकूँ दोस्तों, आपको बहुत सारा चीज दिखाऊंगा, ये लोग कैसे रहते हैं, कहाँ खाना खाते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसी लाइफ है इनकी, कब सोते हैं, कब जागते हैं, कितने घंटे गाड़ी ड्राइव करते हैं, आप लोग दिखाएंगे ना? हाँ दिखाएंगे। ओके तो थोड़ा पूछते हैं कि ये लोग कहाँ से लोड किए हैं क्या और कहाँ जाएंगे, थोड़ा सा बताइए हमें। ये बघवार से लोड हुई है कलंकर, जिसका सीमेंट बनता है। अच्छा अच्छा। कलंकर वो ऐसे छोटा होता है, पूरा मटेरियल इसमें मिला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको फिर पीस के, और ये अभी ओरिजिनल सीमेंट है, इसके सीमेंट बनाया जाएगा, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल। तो बघवार से लोड होके और इलाहाबाद जा रही है। अच्छा अच्छा। तो बघवार से इलाहाबाद कितना दूरी है? यहाँ से 150 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ से बघवार से इलाहाबाद जो है 150 किलोमीटर है, और कितना टाइम लग जाएगा पहुँचने में? वैसा 4 घंटे लगते हैं आराम से जाने में, कोई जल्दीबाजी नहीं रहता। अच्छा अच्छा, 4 घंटे। दोस्तों एक ड्राइवर और हमारे साथ आ चुके हैं, इनका क्या नाम है सुंदर बताएं आप? मिस्टर जसवाल भदौरा ढुआडोल। वाह क्या बात है। तो दोस्तों इनसे पूछते हैं मिस्टर जी से कि कितने साल से गाड़ी चला रहे हैं, कब से चला रहे हैं आप गाड़ी? 2014 से। वाह 2014 बोले तो 6 साल, वो 6, 4, 10 साल से। 10 साल की ड्राइवरी हो गई, एज लगती है कि 15 साल की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कम एज लग रहा है दोस्तों इनका। लेकिन कोई नहीं कहता कि ड्राइवर है, कंडक्टर बोलते हैं। इतनी लंबी गाड़ी है, सबसे बड़ी गाड़ी है, यही चलाती है, सामने खड़ी हुई सामने खड़ी है। एक कैमरा के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि सामने इनकी फ्रंट में गाड़ी खड़ी है, देख पा रहे हैं कलंकर जो है लोड है इसमें। ये अब क्या करा जाए? अभी यहीं रुकेंगे, शाम तक रुकेंगे, क्योंकि आज दशहरा है। बिल्कुल। आज दुर्गा जी का विसर्जन है। हाँ। रोड में बहुत भीड़ है, इसके वजह से हम लोग यहाँ रुके हैं, रात को 10 बजे यहाँ से चलेंगे। रात को 10 बजे है ना? रोड में काफी लंबी लाइन हो जाती है 3 गाड़ी की वजह से। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों 3 गाड़ी जो है क्या साथ जाएगी ना? हाँ, एक साथ ही जाएगी। तो फिलहाल अभी टाइम करीबन 5:30 बज गए होंगे और हम लोग जो है अभी 4-5 घंटा यहाँ रुकेंगे, तो यहाँ का कुछ आपको व्यूज वगैरह दिखाते हैं, चलिए चलते हैं। दोस्तों अब तीनों गाड़ी देख पा रहे हैं जा रही हैं, एक इनकी मिस्टर की, एक महेश की, दोस्तों सबसे पीछे अपनी गाड़ी है, सबसे पीछे। तो दोस्तों रात का समय हो गया है और देख पा रहे हैं गाड़ी जो है अभी ये कहाँ से उतर रही सुंदर? ये बरदहा घाट है। बरदहा घाट दोस्तों सिरमौर चौक से आगे बढ़ता है बरदहा घाट, बहुत खतरनाक घाट है। बहुत खतरनाक है दोस्तों, देख पा रहे हैं ऊपर गाड़ी आ रहे हैं उधर और इधर हम लोग नीचे से आ रहे हैं, ये देख पा रहे हैं किस तरह रोड है। फाइनली दोस्तों बघवार से प्रयागराज पहुंच चुके हैं और ये देख पा रहे हैं बाउंड्री है प्लांट की, देख पा रहे हैं लाइट वगैरह, और इस साइड देख पा रहे हैं वहाँ पे चिमनी है एक, वहाँ पे इधर जो है गैमन है, देख पा रहे हैं पूरा। और दोस्तों टाइम 3:45 हो चुके हैं अभी, और दोस्तों अंदर जो है हमें जाने को परमिशन नहीं दिए हैं तो हम बाहर ही हैं। और दोस्तों जहाँ पे मैं खड़ा हूँ एकदम सुनासान सटापट है, आपको दिखाता हूँ, ये देख पा रहे हैं कोई भी नहीं है दोस्तों यहाँ पे, देख पा रहे हैं ये कोई भी नहीं, यहाँ पे मेन गेट है दोस्तों आगे से। तो दोस्तों तकत में बढ़िया रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए ऐसे इसको ऐसे अब बंद, एक कंबल लेना बहुत ज़रूरी दोस्तों क्योंकि ठंडी लग रही है, चारों साइड अंधेरा देख पा रहे हैं। और फिलहाल सुंदर का वेट किए हैं अभी।
और ठंडी बहुत लग रही है दोस्तों। यहाँ तो ठीक लग रही है लेकिन कान बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। अब देख पा रहे हैं सुंदर भी आ चुके हैं और चलते हैं अब। तो दोस्तों सुंदर आ चुके हैं खाली करके। यार हमें जाने क्यों नहीं दी बताइए, काहे नहीं जाने दिए? अरे यहाँ नहीं जाने देते ड्राइवर किसी का, कोई आदमी नहीं जाएगा। तो दोस्तों हमको बाहर खड़ा होना पड़ा था, अब फिलहाल चले। चलिए तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं बघवार एयरटेक प्लांट।